डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज मेल न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन इज एक्चुअली इनएडिकुएट और एक्सेसिव कंसप्शन ऑफ द न्यूट्रिय जब भी न्यूट्रियट्स की बाडी में कमी हो जाती है या न्यूट्रियट्स हम अपनी जरूरत से ज़्यादा लेते हैं तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेल न्यूट्रिशन अगर हम न्यूट्रिएंट्स बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर न्यूट्रिशन और अगर हम हमें न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स से ज़रूरत से कम मिल रहे हैं उसके डिफरेंट uh, सोर्सेज भी हो सकते हैं काजेज़ भी हो सकते हैं कि हम जो न्यूट्रिशन है वो हमें कम क्यों मिलती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन अ कंडीशन काज बाय इनएडिकुएट कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पुअर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। एक ऐसी कंडीशन जिसमें न्यूट्रिएंट्स से बॉडी को नहीं मिलते या अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स मिलते बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती और अगर और जो थर्ड कंडीशन है एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल तौर पे नहीं मिलते न्यूट्रिएंट्स मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं मिलते ड्यू टू पावर्टी गुर्बत की वजह से या दूसरी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं मिलती उस कंडीशन को हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन और इस अंडर न्यूट्रिशन की वजह से डिफरेंट डिजीज होती हैं बॉडी में इन दिस कंडीशन पीपल डू नॉट हैव इनफ कैलोरीज इन देयर डाइट या तो जो भी फूड वो लेते हैं उस फूड में कैलरीज़ यानी एनर्जी ज़्यादा नहीं होती फूड का स्टफ स्टफ़ ज़्यादा होता है लेकिन उसमें जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ है वो बहुत कम होती है जिसकी वजह से वो अंडर न्यूट्रिटिव कहलाते हैं या उसके अलावा ये वो डाइट कंज्यूम करते हैं वो फूड ईट करते हैं जिसमें प्रोटीनस वाइटामस या मिनरल्स मौजूद नहीं होते अगर फूड के अंदर प्रोटीन्स वाइटामस और मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे तो इनकी कमी होने की वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट डिजीज होती हैं और उन डिजीज़ का जो मेन काज है दैट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन सही नहीं मिलती मेल न्यूट्रिशन वीकेंस इम्यून सिस्टम मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या होगा यानी मेल न्यूट्रिशन की वो कंडीशन जिसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलती जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलती तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी और जो मेंटल ग्रोथ है बेबी की वो भी नहीं होगी एंड स्टंट ग्रोथ और बेबी की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाएगी उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो है ओवर न्यूट्रिशन ओवर न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें uh, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ईट करते हैं और जब ज़रूरत से ज़्यादा ईट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बॉडी में फैट्स की फॉर्म में स्टोर होती है और और ये जो ओवर न्यूट्रिशन है इस ओवर न्यूट्रिशन की वजह से हम ओबीज़ हो जाते हैं यानी ओबेसिटी हो जाती है कॉमन फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन मेल न्यूट्रिशन यानी जब हम हमें न्यूट्रिशन अच्छी तरह नहीं मिलती तो उस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो हमें डिजीज़ होती हैं या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो कौन से होते हैं प्रोटीन्स एनर्जी मेल न्यूट्रिशन मिनरल डेफिशेंसी डिजीज़ ओवर इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशन इस मेल न्यूट्रिशन की वजह से तीन जो हैं कंडीशंस होती हैं या फॉर्म्स होते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन यानी जब हम हमारे फूड में प्रोटीन्स और एनर्जी की कमी होती है तो उस वजह से इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रीशन और जब हम अरे फूड में मिनरल्स मौजूद नहीं होते तो उनकी वजह से जो डिजीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं हम मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ और जो थर्ड वन है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन यानी हम जब न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते हैं जिसे हम ओवर न्यूट्रिशन भी कहते हैं तो उस ओवर न्यूट्रिशन की वजह से कौन सी डिजी डिजीज़ होती हैं हम हर एक फॉर्म को अलग अलग स्टडी करेंगे प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रीशन दिस कंडीशन इज़ रिलेटेड टू इन एडिक्वेट अवेलेबिलिटी और एब्जॉर्बशन ऑफ एनर्जी एंड द प्रोटीन इन बॉडी जब हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या एनर्जी की कमी हो जाती है इस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल यानी मेल जो प्रोटीन और एनर्जी की आ, की वजह से हो इट इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ़ द डेथ इन द चिल्ड्रेन अगर बच्चों को प्रोटीन्स और एनर्जी सही नहीं मिलेगी तो बच्चे बच्चों की डेथ हो जाती है वजह यह है कि उनकी ग्रोथ नहीं होती मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता और उसकी डेथ हो जाती है इट मे लीड टू तो डिज़ीज़ सचेज वेषर्कर एंड मेरसमस ये दो डिज़ीज हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से होती हैं दीज टू डिज़ीज़ अकर्स इन ह्यूमन ड्यू टू डेफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन जब कोई भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल अच्छी तरह से अपनी डाइट में प्रोटीन यूज़ नहीं करता तो प्रोटीन की कमी की वजह से वेशरकर और मस दो डिजीज होती हैं ये दो डिजीज़ ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती हैं वेशरकर इट इज़ ड्यू टू प्रोटीन डेफिशियंसी एट द एज ऑफ ट्वेल्व मंथ्स वेन ब्रेस्ट फीडिंग इज़ डिसक्यू यह वेशर का डिजीज़ बच्चों में होती है जब बच्चा ट्वेल्व मंथ्स का होता है तो प्रोटीन की डैफिशंस की वजह से उसका जो बॉडी मैस है वो बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से ये उसे वेशर का डिजीज़ होती है डेवलप्स एट एनी टाइम ऑफ द चाइल्ड ग्रोथ और ये ये जो है स्टार्ट होती है ट्वेल्व मंथ से और चाइल्ड की ग्रोइंग की जो एज है उसमें किसी भी उम्र में हो जाए हो जाती है उसे दो साल तीन साल चार साल पाँच साल या उसकी जो ग्रोथ जब तक होती रहेगी प्रोटीन की कमी की वजह से वो सही ग्रोथ नहीं करेगा चिल्ड्रेन में ग्रो टू नॉर्मल हाइट बट आर एब थिन वो ग्रोथ भी कर जाएंगे लेकिन जो उसकी एज के मुताबिक वो बच्चा देखने में बहुत ही कमज़ोर होगा मैरिज मस डेवलप्स बिटवीन द एजेस ऑफ द सिक्स मंथस एंड वन ईयर ये सिक्स मंथस या वन ईयर तक डिवलप होती है पेशेंट्स लूज ऑल देयर बॉडी फैट एंड मसल स्ट्रेंथ एंड एक्वायर स्किलेटन अपीयरेंस शो पुअर ग्रोथ इन द चाइल्ड एंड चाइल्ड लुक स्मॉल टू हिज एज बच्चा अपनी उमर से आ, में अपनी उम्र के लिहाज से बहुत छोटा नजर आता है वजह यह होती है कि बच्चे में जो मसल्स की अमाउंट है या फेट की अमाउंट है वो बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ मेल न्यूट्रीशन कंट्रीब्यूट डेथ ऑफ मोर देन सिक्स मिलियन चिल्ड्रेन अंडर एज फाइव ईच ईयर मेल न्यूट्रीशन की वजह से प्रोटीन की कमी की वजह से तकरीब uh, साठ लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं ऑल इज़ बिकॉज ऑफ द लो इंटेक ऑफ द प्रोटीन और अधर लैक ऑफ द न्यूट्रीशंस मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स जब हमारी बॉडी में मिनरल्स की यानी मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं होते तो उन मिनरल्स की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस यहाँ पे हमने दो डिजीज डिस्क, डिस्कस करेंगे ग्वाइटर एंड दूसरी जो मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ है वो है एनीमिया ग्वाइटर थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है जिसमें जब हम अपनी डाइट में आयोडीन कम लेते हैं तो आयोडीन के कम लेने से थायरॉयड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है और थायरॉयड ग्लैंड अपने हार्मोन्स प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करता थायरॉयड ग्लैंड को आयोडीन की ज़रूरत होती है अगर थायरॉयड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायरोयड ग्लैंड जो है वो दूसरे हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसकी वजह से जो हमारा नेक वाला रीजन है वो स्वेल हो जाएगा जिसे हम कहते हैं ग्वाइटर A condition caused by insufficient amount of iodine in diet. Iodine is used by thyroid gland to produce hormones required for body's normal functioning and the growth. If iodine is not available in our diet, thyroid gland will enlarge and swells up. This condition is known as the goiter. The second condition is the anemia, which is also caused by the deficiency of the minerals in our body. The literal meaning of anemia is the lack of blood. जब हमारी body में blood की कमी हो जाती है तो इस condition को हम कहते हैं anemia. This is all because of the lack of the iron in our body. जब हमारी body में iron कम हो जाता है तो iron के कम होने की वजह से blood की जो amount है वो कम हो जाती है body में इस condition को हम कहते हैं anemia. It is caused when the number of the RBCs रिड्यूस दैन द नॉर्मल जब नॉर्मल अमाउंट से आर बी सीज की आर बी सीज़ का जो नंबर है वो कम हो जाता है इस हम कंडीशन को कहते हैं एनीमिया अब सवाल ये है कि आर बी सीज का जो नंबर है वो कम क्यों होता है इफ़ बॉडी फेल्स टू रिसीव सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयरन अगर बॉडी को आयरन की अमाउंट सही नहीं मिलेगी यानी न्यूट्रिशन में अगर हम आयरन नहीं लेते तो आयरन ना लेने की वजह से बॉडी के अंदर ब्लड में जो हेमोग्लोबिन प्रोटीन है वो नहीं बनेगी यानी हेमोग्लोबिन प्रोटीन के बनने के लिए आयरन का होना ज़रूरी है आयरन इज रिक्वायर्ड इन द बॉडी फॉर द द प्रोडक्शन ऑफ़ द हेमोग्लोबिन मालिक्यूल्स और जब हेमोग्लोबिन मालिकुल्स बनेंगे तो हेमोग्लोबिन मालिकूल्स के बनने से आर ज़्यादा बनेंगे आर आर एक्चुअली द कैरियर्स ऑफ हेमोग्लोबिन मालिकुल्स दस नो मोर आर बी सीज़ आर सेंथिसाइज एंड आर बी सीज़ बिकम लेस फंक्शनल जब बॉडी को आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन के ना मिलने की वजह से ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी हेमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो आर की अमाउंट बॉडी के अंदर कम हो जाएगी पेशेंट्स विल वीक ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन अच्छा जो मेन आयरन का या हेमोग्लोबिन का काम होता है ये हेमोग्लोबिन मालिक्यूल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं अगर हेमोग्लोबिन या आर हमारी बाडी में कम होंगे तो उनके कम होने की वजह से बाडी के अंदर जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी आर हैं वो कम हो जाएंगे और जो ऑक्सीजन है वो बाडी तक नहीं पहुँचेगी अच्छा इस एनीमिया के मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ के अलावा जो कुछ ए, एक और आ, है फॉर्म ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के ज़्यादा लेने से कौन सी कंडीशन होती हैं कौन सी डिजीज होती हैं तो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से जो डिजीज होती हैं वो है ओबिसटी डायबिटीज़ कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम्स यानी मोटापा होगा डायबिटीज़ uh, जिसे हम uh, शुगर भी कॉमनली कहते हैं कार्डियोवेस्कुलर हार्ट प्रॉब्लम्स भी होंगी जो मेन काज है ओवर न्यूट्रिशन uh, का वो है ओबेसिटी ओबिसिटी इज़ नोन एज़ द मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ इस ओबेसिटी की वजह से बॉडी के अंदर दूसरी डिजीजेज़ uh, होती हैं अच्छा ओवर न्यूट्रिशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ओबिसिटी डायबिटीज़ और कार्डियोवेस्कुलर है याद रहे जब भी हम ओवर ईट करते हैं तो ओवर ईट करने से जो बॉडी का वेट है वो ज़्यादा हो जाता है जिस जिसे हम कहते हैं ओबेसिटी और इस ओबेसिटी मोटापे की वजह से दूसरी बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं इसलिए हम ओबेसिटी uh, को कहते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज मोटापा क्यों होता है डिक्लाइन इन द एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी हम uh, खाते तो बहुत हैं लेकिन उसे यूटिलाइज बहुत कम करते हैं दूसरी जो पॉइंट है ईटिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट हम अपनी फूड में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की अमाउंट ज़्यादा लेते हैं प्रोटीन से बहुत कम लेते हैं और जो भी हम खाना खाते हैं उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो हम प्रॉपर नहीं करते जिसकी वजह से बॉडी में अंदर एनर्जी बच जाती है और वो एनर्जी फैट्स के फॉर्म में स्टोर होती है जिसकी वजह से हम ओबिस हो जाते हैं अच्छा ओबिसिटी की वजह से डायबिटीज़ शुगर हो जाती है और उसके अलावा दूसरे हार्ट के प्रॉब्लम्स होती हैं अच्छा इसके अलावा अगर हम वाइटामिन से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हाई डोज ऑफ़ वाइटामिन ए लॉस ऑफ़ द एपिटाइट एंड लिवर प्रॉब्लम्स अगर हम अपनी डाइट में वाइटामिन ए ज़्यादा लेंगे तो उससे जो है भूख है वो ख़त्म हो जाएगी यानी अ डिज़ायर ऑफ ईटिंग वी लॉस वी लूज़ द डिज़ायर ऑफ़ ईटिंग यानी जब वाइटामिन ए हम ज़्यादा लेंगे तो उसकी वजह से जो हमारे खाने की डिज़ायर है जो भूख है वो ख़त्म हो जाएगी और उसके साथ लिवर्स के प्रॉब्लम्स भी होंगे हाई इंटेक ऑफ़ वाइटामिन डी अगर हम वाइटामिन डी ज़्यादा लेंगे तो वाइटामिन डी के ज़्यादा लेने से कैल्शियम हमारे टिश्यूज़ में जमा हो जाएगा और उसके अलावा कैल्शियम के ज़्यादा होने की वजह से किडनीज़ में इस्टोन फार्मेशन होगी